जरा सोचो, तुम्हारी आंख खुले और तुम वापस पास्ट में चले गए हो, और ऊपर से तुम्हारा बाबू राव भी गायब हो गया हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारे हीरो बॉन्ग के साथ। बॉन्ग साउथ कोरियन प्रधानमंत्री के ऑफिशियल घर में हेड सेफ की पोस्ट पर है। शाम को उसे बताया गया कि चाइनीज एम्बेसडर मेहमान बनकर वहां पर आने वाले हैं। एम्बेसडर को मछली की हड्डी से सख्त एलर्जी है, इसलिए बॉन्ग को सख्त ऑर्डर दिया गया बिना हड्डी के डिनर में एक मछली की डिश तैयार की जाए। ये सुनते ही बॉन्ग तुरंत अपने काम में जुट गया। रात के समय जब उन्होंने एम्बेसडर को डिनर परोसा तो पहले ही निवाले में खाने में फिसुक निकला और बॉन्ग के सर पर बड़ी मुसीबत आ पड़ी थी। पूरे महल में गार्ड उसे ढूंढने लगे। दो पुलिस वाले उसे ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच गए। बॉन्ग को पता था अब तो उसकी खैर नहीं, इसलिए उसने बालकनी से कूदकर भागने की कोशिश की। उधर ऑफिसर्स भी उसका पीछा कर रहे थे। इसी हड़बड़ी में बॉन्ग का हाथ फिसल गया और वो सीधा स्विमिंग पूल में जा गिरा। उसका सर जोर से स्विमिंग पूल के फ्लोर से टकराया और फिर अचानक से वो और नीचे डूबता ही चला गया। तभी एक सुंदर सी लड़की तैरते हुए उसके पास आई और उसके होठों पर एक चुम्मी चिपका दी। बॉन्ग की जब आंख खुली तो वो अपने आप को अजीब से बेड पर उससे भी अजीब कमरे में पाया। मॉम को लगा भाई ये कहाँ आ गए अपन, और वो जल्दी से एक शीशे के सामने बैठ गया। शीशा देखकर मानो उसके हलक में जवान अटक गई, क्योंकि भैया पापा की परी बन चुके थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसने सोचा कि चलो सपना ही होगा, ये सच में थोड़ी ना लड़की बन जाऊंगा। बॉन्ग ने कमरे से बाहर निकलकर पता करने की कोशिश की माजरा क्या है। वहां उसे बहुत सी लड़कियां मिली जो जय हो राजकुमारी कहकर सर झुकाकर बैठ गईं। बॉन्ग और कंफ्यूज हो गया और वो घबराकर बाहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। बाहर जाकर उसने नोटिस किया भैया उसका बाबू राव तो गायब है। इसे देख के वो पागल हो जाता है। तुम लोगों ने क्या कर दिया मेरे साथ, उसे लगा किसी ने उसका किडनैप करके उसका सेक्स चेंज कर दिया है। लेकिन जब उसने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखा तब उसे समझ में आया असल में वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ चुका था। अगली सुबह बॉन्ग ने उठकर अपनी दासी से अपनी पहचान के बारे में पूछा। पता चला वो किसी तरह 19वीं सदी में पहुंच गया था। वो किम सो युंग नामक एक राजकुमारी के शरीर में रह रहा था, और तो और उसकी शादी कुछ ही दिनों में महाराज चियोल युंग से होने वाली है, जिसके बाद वो रानी बन जाएगा। रानी ने बताया कुछ दिन पहले वह पास के तालाब में डूब गई थी, तो सैनिकों की नजर पड़ गई जो उसे बचाकर वापस महल में ले आए। ये सुनकर बॉन्ग ने हिसाब लगाया उसकी और किम की आत्माएं आपस में बदल गई होंगी और अब घर वापस जाने का एक ही तरीका है, वो तालाब। बॉन्ग ने दासी से उस तालाब के पास ले जाने को कहा। वो तालाब में कूद कर वर्तमान समय में वापस आने की तैयारी में था, लेकिन उसका प्लान मिट्टी में मिल गया जब वो सीधा जाकर कीचड़ में गिरा। बॉन्ग ये सुनकर हताश हो गया, लेकिन उसे पता था उसकी मुश्किल का हल पानी ही है। जहाँ भी उसे पानी मिलता वह जबरदस्ती खुद को उसमें डुबाने लगता, यहाँ तक कि उसने पोछे वाली बाल्टी में भी अपना मुंह दे दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं। कुछ दिन बाद उसकी शादी का दिन आ गया। बॉन्ग को महल के रीति रिवाजों के बारे में कुछ पता तो था नहीं, लेकिन वो दासियों की मदद से जैसे तैसे सारी रस्में पूरी की। खैर प्रमोशन तो हुई थी उसकी, एक ही झटके में बावर्ची से रानी बन गया वो। फिर आया सुहाग रात का समय। इस बारे में ही सोचकर बॉन्ग के पेट में गुड़गुड़ होने लगी, इसलिए उसने राजा को इतनी शराब पिलाई कि वो टल्ली होकर सो गया। राजा के सोने के बाद ही बॉन्ग ने चैन की सांस ली। अगले दिन बॉन्ग के उठने पर नौकर उसके लिए खाना लेकर आए, लेकिन वो उसे इतना बकवास लगा कि अच्छी खासी भूख मर जाए। उसने साई बावर्ची को एक मैसेज भिजवाया कि वो उसे रामन नाम की एक जापानीज डिश बना के दे। बावर्ची को ऐसा कुछ बनाना आता नहीं था, इसीलिए उसने जैसे तैसे कुछ तैयार करके भेजा। उसने कई बार उस डिश को बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार बॉन्ग उसमें कमियां निकाल कर उसे वापस भेज देता। आखिरकार सेफ भी तंग आ गया और उसने हाथ खड़े कर दिए। उसने गुस्से में कह दिया अगर रानी जी को इतना ही पता है तो खुद बना ले आकर। बॉन्ग को अब भी अपनी खाना बनाने की सारी टेक्निक्स याद थी। वो शाही किचन में गया और एक चाकू उठा लिया। सारे नौकर उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, क्योंकि बचपन से आज तक रानी ने रसोई में कदम तक नहीं रखा था। सब डरे हुए थे कि आज इस सब्जी के साथ साथ अपनी उंगली भी डालेगी खाने में, लेकिन बॉन्ग ने बड़ी तेजी से सब्जियों को छीलना शुरू कर दिया। उसने सब कुछ एकदम परफेक्ट और सही साइज में काटा और आखिरकार लजीज रामन तैयार कर दिए। वो अपने कमरे में जाकर अपना बनाया खाना मजे से खाने लगा, और उधर किचन में सेफ को बॉन्ग की काबिलियत से जलन होने लगी। उन्होंने बाकी सबसे कहा अरे यार ये खाना सिर्फ दिखने में अच्छा है, स्वाद होगा एकदम हरे मुर्गे की काली टट्टी जैसा। अपनी बात सही साबित करने के लिए उसने बर्तन में बचा खुचा खाना टेस्ट किया। वो इतना स्वादिष्ट था कि उसके हाथ से चम्मच ही छूट गई। इसके बाद बॉन्ग को एक तरकीब सूझी। उसने सोचा अपनी खाना बनाने की काबिलियत से वो शाही परिवार का दिल जीत सकता है। अगर उसने महारानी को अपने खाने बनाने की टेक्निक से खुश कर लिया वो तालाब फिर से भरने में मान जाएगी। बॉन्ग तुरंत किचन में गया, लेकिन शाही बावर्ची फिर से अपनी धौंस जमाने लगा। इस बार बॉन्ग भी चिढ़ गया और उसने सेफ को खाना बनाने की चुनौती दे डाली। पहले तो सेफ ने मना कर दिया, लेकिन बॉन्ग के बार बार उकसाने पर आखिर वो मान गया। नौकर की घंटी बजाते ही मुकाबला शुरू हो गया। बावर्ची ने अपना चाकू उठाया और तेजी से गाजरें काटने लगा, लेकिन रानी के हाथ इससे भी तेज थे और पलक झपकते उसने खीरा काट दिया। कुछ ही मिनटों बाद बॉन्ग की डिश तैयार हो गई और उसने बावर्ची से पहले घंटी भी बजा दी। वैसे हमारा बॉन्ग मुकाबला जीत चुका था, लेकिन बावर्ची चिढ़कर कहने लगा चलो माना स्पीड भी जरूरी है, लेकिन असली बात तो स्वाद की है। बॉन्ग ने शाही कुछ एक्सपर्ट से कहा कि अब
दोनों के खाने को चक्कर बताए कौन बेहतर है। उसे रानी की बनाई डिश बेहद पसंद आई और बॉन्ग जीत गया। इसके बाद किचन का पूरा कंट्रोल बॉन्ग के हाथ में आ गया। उसने महारानी के खाने को ध्यान से देखकर सोचा कि महारानी चुन चुन कर खाती थी, क्योंकि हाल ही में उनके दांत में दर्द रहने लगा था। इसलिए बॉन्ग ने फैसला किया वो महारानी के लिए नरम खाना बनाएगा। अब उसने बड़ी मेहनत से आलू और दूध की एक डिश बनाई और उसे कुछ फूलों से सजाकर दिखने में भी खूबसूरत बना दिया। बॉन्ग खुश होकर खुद ही महारानी के लिए खाना लेकर गया, लेकिन उस तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में थोड़ा ठंडा हो गया था और प्लेट में थोड़ा इधर उधर फैलने की वजह से प्रेजेंटेशन भी खराब हो गई थी। ये सुनकर बॉन्ग उदास हो गया और महल में वापस जाते समय उसके दिमाग में खाना परोसने का एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने कपड़े की सिलाई की और कुछ कारीगरों से कहकर एक स्पेशल खाना पहुंचाने के लिए कैरेज बनवाया। वो हर तरफ से ढका हुआ था जिससे कि खाना गर्म का गर्म ही रहता था। बॉन्ग हर रोज एक से बढ़कर एक डिशेज बनाता और नौकरों के हाथ महारानी के पास भिजवा देता। महारानी भी गर्मा गर्म खाना चट कर जाती थी। सब कुछ बॉन्ग के आइडिया के हिसाब से बढ़िया चल रहा था। कुछ दिन बाद राजा ने एक दावत रखी जहाँ पूरे देश से मंत्री आने वाले थे। बदकिस्मती से उसी दिन सारे रसोइये बीमार पड़ गए। रसोई में नौकरों की कमी हो गई। बॉन्ग को जब यह पता चला तो उसने रसोइयों की मदद करने का फैसला किया। वो भेष बदल कर रसोई तक पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा सिर्फ बंदों की नहीं सब्जियों की भी कमी है। अब ज्यादा चॉइस तो थी नहीं, इसलिए उसने दिमाग लगाया और सोचा इन्होंने तो चिप्स तो कभी नहीं खाए होंगे। उसने आलू की पतली पतली स्लाइसेस काटकर एक स्टिक पर लगाई और उन्हें डीप फ्राई कर दिया। मेहमान चिप्स को देखकर ज्यादा खुश नहीं हुए क्योंकि वो शाही खाने की आस लगाए बैठे थे, लेकिन चिप्स के मुंह में जाते ही वो सब उनके दीवाने हो गए। अगली डिश बॉन्ग के लिए और भी मुश्किल थी क्योंकि रसोई में मीट नहीं था। उसने वेजिटेबल बर्गर बनाया और साइड में टमाटर रख दिया। अपनी इस नई डिश को उसने नाम दिया मैकडोनाल्डू, जिसे हम सस्ता मैकडोनल्ड्स भी कह सकते हैं। ये भी सबको इतना बढ़िया लगा कि सारे मेहमान उंगलियां चाटते रह गए। मीठे में बॉन्ग ने एक जेली डेजर्ट बनाया, लेकिन कुल्फी की डंडियों पर उसने कुछ भी लिखकर कह दिया ये खाने वाले को उसका भविष्य बताएगी। सभी में कुल्फी खाकर अपना भविष्य जानने की बड़ी उत्सुकता हुई। बॉन्ग ने दावत को बर्बाद होने से बचा लिया था। महारानी उसकी काबिलियत और सूझबूझ से बहुत खुश हुई और उसने बॉन्ग से अपना इनाम मांगने को कहा। बिना वक्त गवाए बॉन्ग ने उस तालाब को फिर से भरने की मांग की। महारानी ने उसकी बात मान ली और नौकरों को काम पर लगा दिया। लेकिन 19वीं सदी में इस काम को करने के लिए कोई मशीन तो थी नहीं। नौकर दूर के कुएं से बल्टियां भर के तालाब में डाल रहे थे। बॉन्ग परेशान हो गया क्योंकि इस काम में बहुत टाइम लग रहा था। उसने एक नया तरीका निकाला और उसने सभी नौकरों को एक जगह खड़े रहकर बाल्टी के पानी को आगे बढ़ाने को कहा। इस सिस्टम से काम बहुत आसान और जल्दी होने लगा। बॉन्ग दिन भर बैठा तालाब भरता देखता रहा। कई दिन बीत गए लेकिन तालाब में अभी भी ना के बराबर पानी था। वो इंतजार करते करते थक चुका था। तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई और धीरे धीरे तालाब भरने लगा। बॉन्ग बारिश को देखकर बहुत खुश हुआ। कुछ ही घंटों बाद तालाब भर गया और बॉन्ग एक पत्थर पर अपना नाम लिखकर पानी में कूद गया। कहानी की शुरुआत की तरह वो अब भी पानी में डूबे जा रहा था। आंखें खुली तो वो खुद को हॉस्पिटल में देखकर हैरान रह गया। एक पुलिस ऑफिसर कुछ ही दूर सो रहा था। उसे लगा खाने में फिसुक मिलने के कारण वे उसे गिरफ्तार करने वाले हैं। उसने धीरे से वहां से रफ चक्कर होने की कोशिश की, लेकिन ऑफिसर आन मौके पर उठ गया और तेजी से उसका पीछा करने लगा। बॉन्ग उससे तो दूर आ गया लेकिन सामने से दो ऑफिसर ने भी उसे घेर लिया। इसी तरह बचते बचाते वो एक लाइब्रेरी में गया जहां पर उसने हिस्ट्री की एक किताब ढूंढी। 19वीं सदी की जोशियन डायनेस्टी के बारे में पढ़कर वो मुस्कुराया क्योंकि वो भी अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका था। लेकिन उसी वक्त पुलिस वाले भी वहां आ पहुंचे। बॉन्ग ने फिर एक बार भागने की कोशिश की, लेकिन एक ऑफिसर ने उसे बताया कि वो उसे पकड़ना नहीं चाहते। उसे पता चला उसके टाइम ट्रेवल की वजह से प्रेजेंट भी बदल चुका था। अब पुलिस उसे पकड़ नहीं रही थी बल्कि उसे सिक्योरिटी दे रही थी, क्योंकि बॉन्ग ने एक जासूस बनकर करप्ट नेता का पर्दाफाश किया था। बॉन्ग ने कंप्यूटर पर सर्च करके पता लगाया कि वो सच कह रहे थे। आखिरकार वो एक सड़क पर खड़ा सोच रहा था ऐसे इतिहास के एक छोटे से बदलाव से भविष्य पर इतना असर पड़ जाता है। और अगर आपको मौका मिले हमको बीते हुए कल में जाना है तो आप कहां जाना पसंद करेंगे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम कहानियां लाते हैं जो आपको पसंद।